बोलो विष्णु भगवान की जय। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं आज आषाढ़ मास की देवशयनी एकादशी के दिन मैं आपको एकादशी माता की कथा सुनाने जा रही हूँ। बंधुओं जो मनुष्य भी एकादशी माता की इस कथा को सुनते हैं उनके सभी पापों का अंत हो जाता है और जीवन में वे तरक्की करते ही चले जाते हैं, अर्थात उन्हें जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। बंधुओं एकादशी व्रत करने और एकादशी माता की इस कथा को सुनने मात्र से मनुष्य जीवन में हर वो चीज प्राप्त कर लेता है जिसकी वह इच्छा रखता है। बंधुओं कथा को पूर्ण विश्वास और सच्ची निष्ठा के साथ सुने। बंधुओं यदि आपने हमारे YouTube चैनल संस्कार की बातें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं वीडियो को पूरी सुने, सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय एकादशी माता जरूर लिखें। बोलो एकादशी माता की जय हो। एक बार एक राजा के दो बेटियां थी। छोटी बेटी एकादशी का व्रत किया करती थी। हर कोई छोटी बेटी की प्रशंसा किया करता था और बड़ी बहन छोटी बहन से ईर्ष्या करती थी। एक बार पड़ोसी राजा का बेटा बड़ी बेटी को देखने आया, लेकिन उसे बड़ी बेटी की जगह छोटी बेटी पसंद आ गई। राजा की छोटी बेटी अब बड़ी बहन छोटी बहन से और भी चिढ़ने लगती है। वह छोटी बहन को मारने के नए नए तरीके अपनाती रहती है। एक बार वह लड्डू में जहर मिलाकर उसे खिलाने की कोशिश करती है और एक बार वह मटके में जहरीला सांप रखकर छोटी बहन के कमरे में रख देती है। एक बार छोटी बहन को पनघट पर पानी भरने के लिए ले जाती है और धोखे से कुएं में धक्का दे देती है, पर हर बार ग्यारस माता उसे बचा लेती है क्योंकि वह ग्यारस माता के व्रत किया करती थी। बड़ी बहन बहुत परेशान हो गई कि यह तो किसी भी तरह नहीं मरती। तब एक दिन बड़ी बहन छोटी बहन से बोली, मेरी प्यारी बहन, भगवान ने हम सब की मृत्यु किसी ना किसी तरह लिखी है, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी मृत्यु कैसे होगी? बड़ी बहन बहुत सीधी थी वह बोली, मेरी मृत्यु मेरे पालतू तोते व तोते के गले में जो हार है उसमें अटकी हुई है। यदि कोई मेरे तोते को मारकर उस हार को लेकर पहन ले तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी और फिर उस हार को उतार कर कहीं रख दे तो मैं जीवित हो जाऊंगी। उस रात छोटी बहन अपने पिता के पास गई और बोली, पिताजी मुझे शक है, यदि मैं मर जाऊं तो आप मुझे जलाना नहीं, आप मुझे हमारे पुराने महल के कुएं के पास झोपड़ी बनाकर खाट पर सुला देना। राजा बोले, बेटी तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, 2-3 दिन बाद तो तुम्हारी शादी है। तब छोटी बेटी बोली, पिताजी समय का कोई भरोसा नहीं। इस तरह शादी वाला दिन भी आ गया। शादी वाले दिन बड़ी बहन छोटी बहन के पालतू तोते को ढूंढती है पर वह उसे कहीं नहीं मिलता। तभी दरवाजे पर बारात आ जाती है। वर माला का कार्य संपन्न हो जाता है, फेरों की रस्म शुरू हो जाती है। उधर बड़ी बहन तोते को ढूंढ लेती है और वह उस तोते को मार देती है। वहीं छोटी बहन के 3.5 फेरे राजकुमार के साथ पूरे हो जाते हैं। तभी छोटी बहन मूर्छित होकर गिर जाती है। उधर बड़ी बहन तोते के हार को खुद पहन लेती है। तब फेरों में सभी घबरा जाते हैं। सभी बारातियों में हलचल मच जाती है कि राजकुमारी को क्या हुआ, सब डर जाते हैं। तब राजा वैद्य हकीमों को बुलाते हैं। छोटी राजकुमारी को महल में ले जाकर लिटा दिया जाता है। वैद्य और हकीम राजा से कहते हैं, राजकुमारी ना मरी है ना जीवित है, हमने ऐसा पहली बार देखा है। तब राजा उनसे कहते हैं, बाहर जाकर बोलना कि राजकुमारी बेहोश है, अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी, यदि तुम ऐसा नहीं कहोगे तो मैं तुम्हें फांसी दे दूंगा। बेचारे वैद्य हकीम राजा के कहे अनुसार बोल देते हैं। तभी बड़ी बेटी आती है और कहती है, पिताजी मुझे छोटी बहन के मरने का बहुत दुख है, उससे ज्यादा दुख
मुझे आपकी इज्जत का है जो कि खराब हो जाएगी। आप ऐसा करो कि मेरी शादी राजकुमार के साथ कर दो, तब सब ठीक हो जाएगा, आपकी इज्जत भी रह जाएगी। तब राजा को यही ठीक लगा और राजा ने छोटी बेटी के कपड़े पहनाकर बड़ी राजकुमारी को फेरों में बिठा दिया। पर राजकुमार ने मना कर दिया, कहा कि यह मेरी पत्नी नहीं है, मेरी पत्नी जब बोलती है तो उसके मुंह से फूल झड़ते हैं। लेकिन सब ने समझा बुझा कर उससे 3.5 फेरे लगवा दिए। बड़ी राजकुमारी ससुराल आई तो राजकुमार ना तो उससे बात करते थे, ना उसके हाथ से पानी पीते थे, ना ही उसके हाथ का बनाया हुआ खाना खाते थे। राजकुमार ने मन ही मन सोचा, मैं पता लगा कर रहूंगा कि मेरी पत्नी के साथ क्या हुआ। एक दिन राजकुमार दुखी मन से घोड़े पर बैठकर जा रहे थे कि घोड़ा वहीं जाकर रुका जहां राजकुमारी की अधमरी लाश को रखा गया था। राजकुमार ने मन ही मन सोचा कि घोड़ा यहां किस कारण से रुका है, कोई तो वजह है जो यहां घोड़ा रुक रहा है। तब राजकुमार घोड़े से उतरकर पुराने महल में गए। वहां एक चौकीदार था। राजा ने पूछा, यह महल किसका है? तब चौकीदार ने बताया कि यह महल किसका है। तब राजकुमार समझ गए कि यह पुराना महल तो उसके ससुर का ही है। वहां खाट पर कौन सो रहा है? राजकुमार ने चौकीदार से पूछा। तब चौकीदार कहने लगा कि यह राजा की छोटी बेटी है जो शादी वाले दिन अधमरी हो गई थी। तब राजकुमार ने कहा कि यह तो मेरी पत्नी है, इसके साथ मैंने 3.5 फेरे लिए थे। तब राजकुमार ने चौकीदार से कहा, तुम किसी को ना बताना कि मैं यहाँ आया हूँ, मैं तुम्हें मुंह मांगी रकम दूंगा। चौकीदार ने हाँ कर दी और राजकुमार खाट के पास गया और बचे हुए 3.5 फेरे खाट के साथ ले लिए। राजकुमार उस दिन वहीं पर रहा और रात को भी वहीं रहा। छोटी रानी रात को खड़ी हो गई। उसने अपने पास अपने पति को देखा तो वह बहुत रोई। राजकुमार ने पूछा, बड़ी अजीब बात है, तुम शादी वाले दिन मूर्छित क्यों हो गई? तुम्हारे पिता ने मेरी शादी तुम्हारी बड़ी बहन से क्यों करवा दी, जबकि मैंने तुम्हारी बड़ी बहन को स्वीकार भी नहीं किया? तब तुम मुझे पूरी बात बताओ, तुम दिन भर तो मूर्छित थी, अब रात को जीवित कैसे हो गई, इसका भी राज बताओ। तब राजकुमारी ने अपने पति को तोते और हार वाली सारी बात बताई। यह भी बताया कि यह बात मैंने अपनी बड़ी बहन को बताई थी। एक बार मेरी बड़ी बहन ने मुझसे मेरी मृत्यु का उपाय पूछा, तब मैंने उसे पूरी बात बताई। मेरी बड़ी बहन मुझसे बहुत ईर्ष्या करती थी, उसने कई बार मुझे मारने की कोशिश की, पर 11 माता ने मुझे हर बार बचा लिया। यह सब मेरी बड़ी बहन ने किया है। तोते के गले में जो हार था वह मेरी बड़ी बहन दिन में पहन लेती है और रात को उतार देती है, इसीलिए मैं दिन में मूर्छित रहती हूँ और रात को जीवित हो जाती हूँ। यदि वो हार मुझे वापस मिल जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। कोई बहन भी ऐसा कर सकती है? अब राजकुमार छोटी राजकुमारी के साथ वही दिन बिताने लगे। बड़ी रानी ने दासियों को भेजकर पता लगाना चाहा कि आजकल राजकुमार दिन रात कहाँ रहते हैं, पर उसे कोई खबर ना लगी। उधर छोटी रानी गर्भ से हो गई। एक दिन छोटी रानी ने राजकुमार से कहा, मुझे चाहे बेटा हो या बेटी, रात में ही हो, दिन में तो मैं मूर्छित रहती हूँ। पर एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा और तभी राजकुमारी प्रसव से हो गई। तब उसने 11 माता को याद किया। तब 11 माता स्वयं आकर उसका प्रसव करवाती है, उसके सुंदर पुत्र पैदा होता है। तभी वहां राजकुमार आ जाते हैं। उसने भी 11 माता के दर्शन किए। 11 माता बोली, ये मेरी परम भगत है, और बोली, जब तुम्हारा बेटा 5 वर्ष का हो जाए तब तुम इसे अपनी पत्नी का हार लाकर पहना देना। देखते ही देखते कुंवर 5 वर्ष का हो गया, बेटा युवराज 5 वर्ष का हो गया। तब राजकुमार अपने बच्चे से कहते हैं कि बेटा युवराज, तुम यही रहना माँ की खाट के पास, मैं शहर से काम निपटा कर आता हूँ। तब बड़ी रानी के दास दासी राजा को वहाँ से आते हुए देख लेते हैं और बच्चे को उठवा लेते हैं। बच्चे के 2 टुकड़े कर दिए जाते हैं, एक टुकड़ा चक्की के नीचे और एक अपने पलंग के नीचे रख लेती है। तब वह 11 माता को याद करती है और 11 माता भीख मांगने के लिए बड़ी रानी के महल में आती है। तब बड़ी रानी अपने दास दासियों के हाथों भिक्षा भिजवा देती है, पर 11 माता कहती है कि मैं तो तुम्हारी रानी के हाथों से ही भिक्षा लूंगी।
तब वे जाकर उसे कहते हैं। तब बड़ी रानी खुद उसे भिक्षा देने के लिए आती है। तब ग्यारस माता बिल्ली का रूप बनाकर अंदर जाती है और उसके बच्चे के जो दो टुकड़े होते हैं उन्हें इकट्ठा जोड़ देती है और उसमें प्राण फूंक देती है और उसे लेकर चली जाती है। राजकुमार कुंवर को लेकर महल में जाते हैं और कहते हैं, रानी ये बच्चा मेरी दूर के रिश्ते की बहन का है, यदि तुम इसे प्यार से रखोगी तो शायद मेरा दिल भी तुम पर आ जाए। तब बड़ी रानी कुंवर को लाड प्यार से रखती है। तब एक दिन राजकुमार अपने बेटे से कहता है कि तुम अपनी मामी से हार मांग लो, हम ये हार लेकर तुम्हारी माँ के पास चलेंगे, पर ये बात अपनी मामी को मत बताना। कुंवर बोले, मामी मामी मुझे अपना ये हार दे दो। एक बात तो रानी जवाब दे देती है, पर फिर उसे ये बात याद आती है कि जब राजकुमार ने उसे कहा था कि यदि तुम बच्चे का ध्यान रखोगी तो मेरा दिल तुम पर आ जाएगा। तब बड़ी रानी कुंवर को हार दे देती है। कुंवर उस हार को लेकर अपने पिता को देते हैं। आज हम आपके हाथ का बना हुआ खाना खाएंगे, हम आते हैं, तुम खाना तैयार करो। बड़ी रानी बहुत खुश हो जाती है कि आज मेरे पति मुझसे खुश हैं। तब राजकुमार छोटी रानी के पास जाते हैं। बड़ी रानी उधर बहुत खुश होती है। तब राजकुमार छोटी रानी को वो हार पहना देते हैं और छोटी रानी जीवित हो जाती है और महल में छोटी रानी और बच्चे को लेकर आते हैं और बड़ी रानी को अपने ससुर के यहाँ छोड़ने के लिए चले जाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। उसके ससुर भी इस बात में शर्मिंदगी महसूस करते हैं और कहते हैं, ये मेरी परवरिश में ही कुछ ना कुछ कमी रही होगी। और ग्यारस माता की कृपा से छोटी रानी के भाग जाग जाते हैं। हे ग्यारस माता, जैसे आप छोटी बेटी पर प्रसन्न हुई वैसे सब पर होना। कहते सुनते हुंकारा भरते सब पर अपनी कृपा बरसाए रखना। बोलो ग्यारस माता की जय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें।